कि ये बजट ऐसे समय में पेश हुआ है जबकि देश में कमज़ोर मानसून की आशंका है, वैश्विक अर्थव्यवस्था सुस्ती की चपेट में है और वैश्विक स्तर पर व्यापारिक युद्ध अपने चरम सीमा पर है। गौरतलब है कि 2019 के पहले तीन महीनों में जीडीपी पहले से ही कम चल रही है, 5.8% की जीडीपी चल रही है पहले तीन महीनों में, जो कि अपने पिछले 5 साल के न्यूनतम स्तर पर है। बहरहाल फिर भी जो पिछले बजट में घोषणाएं की गई थी उन घोषणाओं में से कईयों को कायम रखा गया, जिसमें सबसे अहम है आयकर छूट की घोषणा। आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है इस बजट में। 2 करोड़ रुपए से अधिक आमदनी वाले अमीरों पर जरूर सरचार्ज बढ़ा है, लेकिन 5 लाख तक की आमदनी वाले, जो कि पिछले बजट में भी था, 5 लाख तक की आमदनी वाले करदाताओं पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इस घोषणा को इस पूर्ण बजट में कायम रखा गया है। दूसरी जो कुछ खास बातें हैं उसके बारे में भी हम आपको जल्दी जल्दी बता दें। 400 करोड़ रुपए के राजस्व वाली कंपनियों को अब देना होगा 25% कॉरपोरेट टैक्स। यहाँ गौरतलब बात यह है कि अब महज 0.7% कंपनियाँ ही ऐसी बची हैं जो कि 25% कॉरपोरेट टैक्स के दायरे से बाहर हैं। शेष सभी कंपनियाँ अब 25% कॉरपोरेट टैक्स के दायरे के अंदर आ चुकी हैं। बजट की एक खास बात और रही बजट घोषणाओं की, पैन और आधार कार्ड की जल्द ही अदला बदली हो सकेगी, एसटीटी में सरकार देगी राहत, ये वित्त मंत्री ने ऐलान किया है। इसके साथ ही कुछ और खास बातें नहीं हैं। सस्ता घर खरीदने वालों को राहत दी गई है, हाउसिंग लोन के ब्याज पर 3.5 लाख रुपए की छूट मिलेगी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात की भी घोषणा की है संसद में। और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद पर लिए गए लोन पर सरकार 1.5 लाख रुपए की कर छूट भी देगी। ये कुछ खास बातें हैं जो आम जनता को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली हैं आगे आने वाले दिनों में। इसी के साथ ही हम अपने साथियों से पूछते हैं कि बजट की और खास बातें क्या क्या रहीं। हम चलते हैं पहले अभिषेक के पास। अभिषेक, क्या रहा और खास खास? अब कि जो पहला बजट निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है उसमें कुछ अच्छी, कुछ करदाताओं के लिए अच्छा रहा, कुछ बुरा रहा। तो अच्छा ये रहा कि जो सस्ता जो घर खरीदना चाहते हैं, हमें 45 लाख रुपये तक का जो घर खरीदते हैं उनको जो है इसके में 1.5 लाख रुपए तक की छूट दी जाएगी। अच्छा। साथ ही जो पुराने हाउसिंग लोन जो है चल रहे हैं जिनमें, उसमें 2% की सीमा को बढ़ाकर 3.5% कर दिया गया है। उसके अलावा एक बुरी खबर ये आ रही है वाहन चालकों के लिए, डीजल और पेट्रोल 1-1 रुपये महंगा होने जा रहा है, उस पर सेस लगा दिया गया है क्योंकि सरकार चाहती है कि अभिषेक आम महंगाई पर भी असर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, सारी माल ढुआई जो है डीजल के वाहनों से होती है, हर चीज़ पर महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ने का पूरा आगे आने वाले दिन महंगाई वाले साबित हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं और होता है, सरकार को इस पर रिवर्ट भी करना पड़ेगा अपने फैसले को लेकर। दूसरी चीज़ ये कि सरकार चाहती है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का देश में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़े, तो उसके लिए सरकार ने जो इलेक्ट्रिक वाहनों को GST जो दर उसकी टोटल 4% कर दिया गया है। अच्छा। साथ ही उसको खरीदने वालों को उसके लोन लेने पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट भी दी जाएगी। पहले 12% हुआ करती थी शायद, 12 से घटा के 4% कर दिया गया है। जी। और 1.5 लाख रुपए की इनकम टैक्स में रिबेट भी मिलेगी उसमें। अच्छा अच्छा, धन्यवाद अभिषेक। अभिषेक आपके पास और कोई चीज़ है? हाँ, मेरे पास एक बहुत अहम खबर और भी है जी। जो महिलाएं आभूषण की शौकीन है उनके लिए भी एक बुरी खबर आ रही है। अब कस्टम ड्यूटी इसको 10% से बढ़ा के 12.5% कर दिया गया है, जिससे कि आभूषण के महंगा होना तय है। अच्छा, सोने का आयात महंगा कर दिया गया है। आयात महंगा कर दिया गया। साथ ही जो किताबों के शौकीन है, विदेशी किताबों की, राइटर्स की किताब पढ़ते हैं, उनको 5% तक अब टैक्स देना पड़ेगा। 5% तक किताबें महंगी हो जाएंगी। अच्छा। इसके अलावा CCTV के आइटम, व्हीकल 2-व्हीलर्स के जो पार्ट्स के इम्पोर्ट ड्यूटीज हैं वो सब बढ़ा दी गई हैं। जी। धन्यवाद अभिषेक हमें बजट की कुछ और ख़ास बातें बताने के लिए। हमारे एक और साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वेद रतन शुक्ला। वेद हमें बताएंगे कि इस बजट की कुछ दिलचस्प बातें क्या रहीं। वेद, क्या दिलचस्प बातें थी इस बजट की? बात तो यह पहले थी कि 49 साल बाद किसी महिला ने वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया है। और इसमें भी एक खास बात यह है कि निर्मला सीतारमण पहली ऐसी महिला हैं जो पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं और उन्होंने बजट पेश किया है। इंदिरा गांधी जी ने
इससे पहले 49 साल पहले एक लेकिन 1970 में, मगर वो उस समय पूर्णकालिक वित्त मंत्री नहीं थी, उन्होंने बजट पेश किया था। एक बात और अपने दर्शकों को बता दूं कि पहला बजट 1947 में भारत आज़ाद भारत का पहला बजट आर के खड़मुखम चेट्टी ने पेश किया था और वो भी ब्रीफकेस लेकर के गए थे संसद भवन। उसकी फ़ोटो आप हमारे amritvichar.com पे देख सकते हैं और फोटो गैलरी में जाइए और वो पुरानी दुर्लभ तस्वीर हमने और आज निर्मला जी के साथ क्या खास बात आर्स क्या रही? हाँ, वो रहा कि अब पहली बार ब्रीफकेस की परंपरा बदल करके एक बही खाते में लाल रंग के और उस पर जिस पर लाल रंग के कपड़े मिले, हाँ, राष्ट्रीय चिन्ह था लगा हुआ, ऐसे बजट पेश हुआ इस मोदी सरकार में। तो जब 1947 की मैं वो तस्वीर देखा जब वो ब्रीफकेस लेके जा रहे थे, अब जमाना आम चलन भी यही था कि सारे वित्त मंत्री सूटकेस में रख कर ले जाते हैं और एक पारंपरिक रूप से एक चित्र भी खींचा जाता है वहां पर उनका सदन में अंदर जाते हुए हाथ हिलाते हुए और ब्रीफकेस दिखाते हुए, तो उसको बदल के अब इस बार बही खाते में बही खाते के रूप में उन्होंने बजट पेश किया। बिल्कुल नया स्टाइल, नई शैली, नई वित्त मंत्री और पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया। हमारे एक और साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर्वेश। सर्वेश, मासेस को कवर करने के लिए, मासेस को फायदा पहुंचाने के लिए आम जन को क्या सरकार ने कदम उठाए? इसमें इस बार बजट में खास रहा है, हर मोदी सरकार जब से बनी है तब से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज़्यादा जोर दे रही है। इस बजट में सड़क, बिजली, पानी पे ओवरऑल जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर 100 लाख करोड़ रुपए का खर्च जो है 5 सालों में किया जाएगा। वहीं अब अगर हम बात करें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की, तो RBI अब ऐसी कंपनियों पर सीधे निगरानी रखेगी, इन कंपनियों को सीधे RBI के अंडर में दिया जाएगा, RBI इन पर निगरानी रखेगी, ये RBI के दायरे के बाहर जाकर काम नहीं कर सकेंगी। अच्छा, और वहीं हम बात करें तो जो इन्वेस्टमेंट विनिवेश, जो हमारी जो सरकारी कंपनियां हैं जिन जो घाटा झेल रही लगातार सरकार उनको उनके कर्मचारियों का वेतन देने तक की जो है PSUs वगैरह, तो उसमें सरकार ने कहा है कि उसके लिए पैसा कैसे गेन किया जाए, इसके लिए सरकार उसमें विनिवेश करेगी और प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट उसमें बढ़ाया जाएगा ताकि जो है उससे पैसा आ सके उसमें। इसमें 1 लाख करोड़ रुपये का करीब जो है उसमें लक्ष्य रखा गया है। भाई हम और बात करें तो देश की शिक्षा नीति, हमारे देश की जो शिक्षा नीति है इसमें सुधार करने के लिए भी मोदी सरकार हर बार जोर देती है। इसके लिए इस बार नई योजना शुरू करेगी, स्टडी इन इंडिया योजना शुरू की गई है। इसके तहत जो है छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। अच्छा, इसमें एक करोड़ छात्रों को जो है लिस्टेड किया जाएगा जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा। वहीं नई शिक्षा नीति लाभ है। स्वच्छ भारत मिशन के नज़रिए से बात करें तो केंद्र सरकार, PM मोदी जब पहली बार सरकार बनी थी उनकी, तो उन्होंने 2 अक्टूबर को इसकी स्वच्छ भारत मिशन की जो है लॉन्चिंग की थी। उसके बाद से अब उन्होंने इसका जो है खुले में शौच मुक्त करने का एक उनका विजन है कि देश को खुले में शौच मुक्त किया जाए, उसके लिए उन्होंने लक्ष्य रखा था और उन्होंने इस बजट में उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर यानी कि 2019 तक देश को पूरी तरह खुले में शौच मुक्त किया जाए, घोषित कर दिया। जी। वहीं अब रेलवे की बात करें, रेलवे में जो है सालाना 20 लाख करोड़ रुपए का निवेश इसकी जरूरत है। जी, तो इसके लिए निजी, अब रेलवे में उसमें बात कर रहे हैं कि जो है रेलवे का जो कुछ हिस्सा है जो है निजी क्षेत्र में दिया जाए। और वहीं अब हम बात करें जल स्तर वगैरह की, तो हमारे देश में जो है पानी की समस्या भी बड़ी हो बहुत एक दिन बढ़ती जा रही है, सूखा बढ़ रहा है किसानों को बहुत। इसके लिए अब उन्होंने 256 जिलों में सर जो है सरकार जो है जल शक्ति अभियान चलाएगी। इसके तहत इन जिलों में जो है इस निगरानी रखी जाएगी और कहीं किसी भी तरह से इन जिलों में पानी की कमी नहीं होने पाए हर हाल में। ठीक। तो हर घर जल, जी, हर घर नल, जी, नारा दिया गया है। जी, ये लक्ष्य दिया गया है। भाई अब दूसरी बात करें सड़कों की, तो सरकार ने 1,25,000 किलोमीटर की सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा है 5 सालों में। पच्चीस हज़ार किलोमीटर की सड़कें जो है उनको बनाया जाएगा और जो पहले से बनी हुई सड़कें जिनकी हालत ख़राब है उन्हें अपडेट किया जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में। जी। और वहीं अगर 114 दिनों में सरकार जो है जिन लोगों के पास घर नहीं है उनका नाम लिस्टिंग होगा और उनके 100 से सवा 100 दिनों के अंदर अंदर उनको जो है घर बना के सरकार की तरफ से दिया जाएगा। भाई मीडिया सेक्टर की बात करें तो अभी तक हमारे मीडिया सेक्टर में जो है फॉरेन मीडिया का जो इन्वेस्टमेंट था कुछ ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन सरकार ने इसको बढ़ा करके जो 100% कर दिया है। अब मीडिया का जो हस्तक्षेप, जी, 100% मीडिया जो है विदेशी मीडिया जो है हमारे इन्वेस्ट कर सकती है। बीमा में भी यही सरकार ने किया है, अगर इसमें 100% निवेश का जो है
कर दिया गया है इसमें, मतलब 100% निवेश होगा इसमें जी। धन्यवाद सर्वेश हमें बजट की कुछ और ख़ास बिंदुओं से परिचित कराने के लिए, बताने के लिए हमारे दर्शकों को। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देश दुनिया की ताज़ा खबरों को पढ़ते रहने के लिए हमेशा लॉगिन करें, हमेशा क्लिक करें न्यूज़ को जानने के लिए amritvichar.com।